गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन चैप्टर लास्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11th. तो इसमें लास्ट टू टॉपिक बचे हैं, एक सॉइल पोल्यूशन एंड ग्रीन केमिस्ट्री यूज इन एवरीडे लाइफ. तो सॉइल क्या है? कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जो हमारी सॉइल में आ जाएगा हमारी पीएच को खराब करेगा, हमारे जो है सॉइल का जो है उसका पूरा जो प्रोसेस है वो खराब करेगा, तो हम बोलेंगे सॉइल पोल्यूशन हो गया. सॉइल जो होती है अपरमोस्ट पार्ट होता है अर्थ क्रस्ट का, और ये इसमें डिकम्पोजिशन होती है, डिस इंटीग्रेशन होती है रॉक्स की वेदरिंग की वजह से, टूटने की वजह से. तो सॉइल किस की बनी होती है? मिनरल मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, सॉइल वाटर सॉइल एयर, तो ये सब होता है, ये चीज़ का बना होता है. अब यह है कि इसका सॉइल सोर्स क्या है और सॉइल पोल्यूशन के इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो इंडस्ट्री से जितनी भी चीज़ें हैं जो केमिकल्स हैं वो सारे बाहर आएंगे, तो वो सारे इसमें सॉइल में जाएंगे, तो उससे भी क्या होगा? नुकसान होगा, काफ़ी सारे सॉइल की पीएच खराब हो जाएगी और उसमें प्लांट नहीं उग पाएंगे, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी. इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 50% ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज बिकम वेस्ट प्रोडक्ट विच इज आइदर थ्रोन इनटू वाटर और डंप्ड इनटू द सॉइल नियर बाय. तो जितना भी इंडस्ट्रीज में होता है वेस्ट वो सारा किस में डाला जाता है, या तो वाटर में या फिर क्या सॉइल में. और ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है इसमें बहुत सारे टॉक्सिक और डिजास्टर केमिकल होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ये करते हैं हमारी सॉइल को बिल्कुल ही उसको अनफर्टाइल कर देते हैं. अब है अर्बन वेस्ट जो शहरों का जो गंद होता है वो सारा भी किस में एक सॉइल में कहीं दूर में इकट्ठा किया जाता है, तो उसमें बहुत सारी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सॉइल की पीएच को ख़राब करते हैं. एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट्स, तो इसमें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड या कोई भी जो हम केमिकल यूज़ करते हैं तो वो भी सारे सॉइल में जाते हैं, उससे भी हमारी जो सॉइल है वो क्या करती है? अनफर्टाइल हो जाती है. और फर्टिलाइजर जो ये तो न्यूट्रिएंट है हमारी इसके लिए प्लांट्स के लिए, मगर ये केमिकल है इसलिए हमारी सॉइल को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है. पेस्टिसाइड भी, इंसेक्टिसाइड भी, हर्बिसाइड भी और फंजीसाइड भी, ये सारे क्या हैं? एक एज ए पॉल्यूटेंट एक्ट करते हैं सॉइल पोल्यूशन के लिए. रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स क्या है? डंपिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर का जितना वेस्ट है वो सारा पानी मतलब सॉइल में डाल देना, उससे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है. न्यूक्लियर टेस्ट प्रोड्यूस न्यूक्लियर टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर विल अल्टीमेटली फॉल टू सॉइल एंड पॉल्यूटेड. द यूज ऑफ एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बॉम्ब इन द वॉर प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड एज दे बाई प्रोडक्ट. तो वॉर होती है उससे भी न्यूक्लियर जो वेपन यूज किए जाते हैं उससे भी जो केमिकल्स होते हैं वो सारे सॉइल पर गिरते हैं, उससे भी क्या होता है? सॉइल पॉल्यूट होती है. नेक्स्ट है ग्रीन केमिस्ट्री एज ए अल्टरनेटिव टूल फॉर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन. ग्रीन केमिस्ट्री को कैसे यूज कर सकते हैं हम पॉल्यूशन को कम करने के लिए? वी हैव डिस्कस्ड दिस यूनिट द हजार्ड ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ा, तो मेजर काज जो है इसका पॉल्यूशन का है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट है जिससे केमिकल बनते हैं. तो हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम ऐसे वन वे टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट फ्रॉम केमिकल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट टू यूज ग्रीन केमिस्ट्री. कि अगर हम ग्रीन केमिस्ट्री यूज करें, प्रोडक्ट ऐसे यूज करें जो क्या हो? बायोडिग्रेडेबल. By green chemistry, we mean producing the chemical of daily needs using such reaction and chemical process which neither use toxic chemical nor emit such chemical into atmosphere. ऐसे product use करें जो chemical जो है poisonous gas हवा में या पानी में या soil में produce ना करें और उसे pollute ना करें. अब क्या है? Use of sunlight and microwaves. हम सनलाइट और माइक्रोवेव को काफ़ी यूज़ कर सकते हैं. द यूज़ ऑफ सनलाइट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट हैव गिव बर्थ टू फोटोकेमिस्ट्री. सनलाइट की वजह से क्या है? फोटोकेमिस्ट्री जो है के बारे में समझा जा गया है, उसको यूज़ किया गया है. 40 ईयर्स के पहले नंबर ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन हैव बीन स्टडीड एंड द देयर कंडीशन स्टैंडर्डाइज. मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती थी इसके बारे में पढ़ा गया है. तो इसका मेन एडवांटेज इस रिएक्शन का ये है कि जो प्रोडक्ट होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन के दे कैनॉट बी ऑब्टेन बाई यूजिंग केमिकल मैथड. वो केमिकल मैथड से नहीं बनते. रिसेंटली मैनी नोन रिएक्शन हैव ऑल्सो बीन कैरिड आउट यूजिंग माइक्रोवेव ओवन. तो बहुत सारी रिएक्शन की गई है माइक्रोवेव ओवन को यूज करके. इन दिस रिएक्शन नो टॉक्सिक सॉल्वेंट आर यूज. कोई टॉक्सिक सॉल्वेंट यूज नहीं होगा, बट ओनली द रिएक्टेंट इन प्रॉपर रेशियो आर मिक्सड इन अ सॉलिड स्पोर्ट्स सच एज एल्युमिनियम एक्सपोज टू माइक्रोवेव. तो इसमें क्या किया है? मिक्स प्रोपोर्शन में सब्सटेंस डाला गया है. द रिएक्शन इज कम्प्लीट विद इन मिनट्स एंड यील्ड आर नॉट only comparable but in some case they are even higher than those obtained under severe condition using toxic solvent. तो हमें yield जो मिला वो काफ़ी अच्छा मिला है, काफ़ी ज़्यादा मिला है जो toxic solvent produce नहीं करेगा और जो toxic solvent produce करते हैं उनसे भी ज़्यादा मिला है. Thus the use of microwave have not only reduced the time of reaction but मतलब एक ये है कि काम भी जल्दी हो जाएगा और केमिकल भी कोई प्रोड्यूस नहीं होगा जो हमें पॉल्यूट करेगा हमारे इन्वायरमेंट को. Use of sound wave.
इंस्टेड ऑफ माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव की जगह साउंड वेव हैव ऑल्सो बीन यूज टू कैरी आउट सर्टन नॉन केमिकल रिएक्शन विद इनकरेजिंग रिजल्ट. साउंड वेव भी बहुत सारी रिएक्शन करती है. तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इसको बोलते हैं सोनक मिस्ट्री, जो साउंड को यूज करके केमिस्ट्री के बारे में, इसके बारे में जो केमिकल कुछ भी बनाया जाता है. हियर अगेन एफर्ट्स आर नीडेड टू डेवलप कंडीशन टू अचीव द डिजायर्ड गोल. यूज ऑफ एंजाइम, वन ऑफ द मोस्ट थॉरली इन्वेस्टिगेटेड एनवायरमेंटल फ्रेंडली रीजेंट आर एंजाइम. दिस वर्क इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन एम्बिएंट टेम्परेचर. तो सबसे ज़्यादा जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंजाइम है, ये क्या करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में भी काम करते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पे भी. यूजिंग दिस एंजाइम मैनी बायोकेमिकल मेथड हैव बीन डेवलप्ड. बहुत सारे बायोकेमिकल मेथड बनाए गए हैं जिसे हम प्रीकर्सर इंटरमीडिएट बना सकते हैं मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स के लिए. जैसे सेमी सिंथेटिक पेंसिल जो है, जैसे एम्फिसिलिन और अमोक्सिलिन हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस टेक्निक. ये सब बना सकते हैं हम एंजाइम से. ग्रीन केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ, हमारी लाइफ में क्या रोल है इसका. बाय क्लीनिंग अ फ्लोर एंड लॉन्ड्री, अर्लियर टेट्राक्लोरोइथेन वाज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई हीट क्लीनिंग. तो पहले ड्राई क्लीनिंग के लिए क्या यूज किया जाता था, टेट्राक्लोरोइथेन. दिस कंपाउंड इज सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिक एंड कंटेमिनेट द ग्राउंड वाटर. ये तो एक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है और साथ में ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता था. इट यूज हैज बीन रिप्लेस बाय लिक्विफाइड CO2. अब हम इसको जगह लिक्विफाइड CO2 यूज करते हैं, जो एक सूटेबल डिटर्जेंट है जो लेस हार्मफुल है. सिमिलरली फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ इन लॉन्ड्री, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज बीइंग यूज. पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता था, विच की बेटर रिजल्ट एंड इज नॉट हार्मफुल, जो बहुत अच्छा है. मोरओवर इट सेव अ लॉट ऑफ वाटर, ये पानी को भी सेव करता है. ब्लीचिंग ऑफ पेपर, अर्ली क्लोरीन गैस वाज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पेपर विच इज हाईली टॉक्सिक. पहले पेपर को मतलब कलर कर उड़ाने के लिए क्लोरीन यूज करते थे, जो क्या है हाईली टॉक्सिक है केमिकल. तो इसको रिप्लेस करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है सूटेबल कैटलिस्ट के साथ. कुछ केमिकल्स बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इथेनल जो है नाउ डेज बींग प्रिपेयर्ड ऑन ए कमर्शियल स्केल यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली केमिकल कंडीशन. तो आजकल इथेनल बनाया जाता है कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली केमिकल कंडीशन के साथ. बाय वन स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन इन प्रेजेंस ऑफ आयनिक कैटलिस्ट इन एक्वस मीडियम. तो हम इथीन लेते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हम इथेनल बनाते हैं. तो हमें 90% इसमें क्या इथेनल मिलता है. तो इससे पता चलता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री को यूज़ करके, जिससे हमें केमिकल्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे और हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होगा.